संत श्री कालिदास बापू ना से जेने आ वाणी में पोताना सद्गुरु नी प्रशंसा सद्गुरु नी महानता बतावी छे। तो गुरुपद से ई एवुं छे के गुरु कोई व्यक्ति नथी, पण गुरु तो अव्यक्त पद छे। व्यक्ति व्यक्त थई सके, व्यक्ति ने व्यक्त करी शकाय, पण जे गुरु तत्व छे ई अव्यक्त पद छे। एने व्यक्त करवू होय तोय पण व्यक्त नथी थई शकतुं, अगर तो नथी करी शकातुं। कारण ई पद एवुं छे के अनुभव गम्य पद छे, ई व्यापक तत्व छे। माटे ई तत्व छे ने ई ब्रह्म स्वरूप छे अने ई ब्रह्मांड छे। कारण एक अणु मात्र गुरु तत्व विना कोई जग्या खाली नथी। ठसो ठस घनो घन आ तत्व आ पद व्यापक छे। पण क्यारे के जारे दर्शन सुधरे दृष्टा तणु तो विश्व एक भगवान से। जारे एवी दृष्टि सुधरे क्यारे आखू विश्व से नी ब्रह्म स्वरूप भासे। तो आ दृष्टि क्यारे सुधरे के आवा कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता सद्गुरु मळे ने त्यारे। तो कालिदास कह से के हे सखी, तो कालिदास नी सखी कोण? तो ई से एनी सुरता। एनी सुरता ने कह से हे सखी मने ब्रह्मवेता सद्गुरु मळी गया से। तो ब्रह्मवेता एने कहेवाय के जेने ब्रह्म ने जाण्यु होय, जे ब्रह्म ने पामी गया होय, जेनी ब्रह्म मां स्थिति होय, जे ब्रह्म स्वरूप बनी गया होय, आवा पुरुषो ब्रह्मवेता कहेवाय।
અને આવા મહાપુરુષો અમને મળી ગયા અને આ બ્રહ્માંડ એટલે આ જગત એ મને બ્રહ્મ સ્વરૂપે દર્શાવી રહ્યું છે. સખી જે જગત છે, જે દુનિયા છે, જે સંસાર છે, એની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, એ આકાર વિનાની નથી. તો દરેક વસ્તુ છે ને એને પદાર્થ કહેવાય છે. તો પદાર્થને જો સમજણથી છૂટા પાડો ને તો પદ વતા અર્થ એવું થાય. તો પદ છે ને એ નિરાકાર છે અને અર્થ છે ને એ આકાર છે. તો જ્યારે બ્રહ્મવેતા સદગુરુ મળે ત્યારે આકારે આકારે એટલે અર્થે અર્થે પદની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે કે નિરાકારના દર્શન થાય. તો આ પદ નિરાકારમાં એવું છે કે પદે પદે એ નિરાકાર તરીકે આપણા દ્રષ્ટિમાં આવે. તો આ દર્શાય એવું તો નથી, પાણી તો અનુભૂતિ થાય. તો આ પદની અનુભૂતિ કરીને આ ભાવ એટલે આ સંસારમાંથી પાર ઉતરી શકાય. પણ એ સમજાય એવી પ્રક્રિયા નથી, કારણ કે આ જગતમાં આ વિશ્વમાં જેટલા નામ છે ને એ દરેક નામે નામે
आ अनामी तत्व जैसे यनी साप से तो एना माटे अमारा सद्गुरु नामदास बापूए एक साक्षी में कीधु से के वस्तु न आवे वात में वात वस्तु की थाय सींधे मारक सद्गुरु तो वस्तु वर्ताय। तो अनामी ने जो जानवू हो तो ये सद्गुरु जणावी सके, सद्गुरु महाराज आ मार्ग बतावी सके, नहीं तो न जाणी शकाय। सखे सके ए मारी सुरता आ जेटला रूप देखाय छे ने ई बधा अरूपी तत्व से एना रूप से। तो ई तत्व एवू से के ई अरूपी से के जेनो कोई रूप नथी। आ पद एवू से बहुरूपी से बधा रूप एना से। माटे हे सखी रूपे रूपे यनी प्रतिति थाय छे एटले के एना दर्शन थाय छे। सखी ए मारी सुरता आ पद आ तत्व एवं से के जेना आधारे बधु टकी रही से बधु दर्शाई रही से। कारण के आ पद एवं से के स्वयं प्रकाशी से एना प्रकाश थी बधु प्रकाशमान से। माटे आ पद ई सौनो आधार से अने पोते निराधार એટલે કહેવાય છે કે એ કોઈના આધાર વિનાનું આ તત્વ છે। તો કાલિદાસ બાપુ કહે છે કે આવી ઓળખાણ બ્રહ્મદેતા જે સદગુરુ હોય ને એ જ કરાવી શકે।
सदगुरु भगवान की जय।